ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी सदस्यगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा शुरू किए गए जल जन अभियान के शुभारंभ पर मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं। आप सबके बीच आना, आपसे सीखना, जानना, समझना हमेशा ही मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। स्वर्गीय राजयोगिनी दादी जानकी जी से मिला आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे याद है 2007 में दादी प्रकाश मणि जी के ब्रह्मलोक गमन पर मुझे आबू रोड आकर श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला था। बीते वर्षों में ब्रह्म कुमारी बहनों के कितने ही स्नेहिल निमंत्रण मुझे अलग अलग कार्यक्रमों के लिए मिलते रहे हैं। मैं भी हमेशा प्रयास करता हूं कि आध्यात्मिक परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच आता जाता रहूं। 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर उस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला था। 2012 में संस्थान की स्थापना के 75 वर्ष से जुड़ा कार्यक्रम हो, 2013 में संगम तीर्थधाम का कार्यक्रम हो, 2017 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का 80वां स्थापना दिवस हो, या फिर पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा स्वर्णिम भारत का कार्यक्रम हो, मैं जब भी आपके बीच आता हूं आपका स्नेह, आपका यह अपनापन मुझे अभिभूत कर देता है। ब्रह्मा कुमारी से मेरा यह संबंध इसलिए भी खास है क्योंकि स्व से ऊपर उठकर समाज के लिए सर्वस्व समर्पित करना आप सभी के लिए आध्यात्मिक साधना का स्वरूप रहा है। साथियों, जल जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित हैं। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा, और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के इस जल जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। इससे जल संरक्षण के अभियान की पहुंच भी बढ़ेगी, प्रभाव भी बढ़ेगा।
मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों का, इसके लाखों अनुयायियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया था। हमारे यहां कहा गया है, मां आपो हिंसी, अर्थात हम जल को नष्ट न करें, उसका संरक्षण करें। ये भावना हजारों वर्षों से हमारे आध्यात्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है, ये हमारे समाज की संस्कृति है, हमारे सामाजिक चिंतन का केंद्र है। इसलिए हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। जब कोई समाज प्रकृति से ऐसे भावात्मक संबंध जोड़ देता है तो विश्व जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, वो उसकी सहज जीवन शैली बन जाती है। इसलिए आज जब भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोज रहे हैं, तो हमें अतीत की उस चेतना को पुनर्जागृत करना होगा। हमें देशवासियों में जल संरक्षण के मूल्यों के प्रति फिर से वैसी ही आस्था पैदा करनी होगी। हमें हर उस विकृति को भी दूर करना होगा जो जल प्रदूषण का कारण बनती है, और इसमें हमेशा की तरह भारत की आध्यात्मिक संस्थाओं की, ब्रह्मा कुमारीज की एक बड़ी भूमिका है। साथियों, बीते दशकों में हमारे यहां एक ऐसी नकारात्मक सोच भी बन गई थी कि हम जल संरक्षण और पर्यावरण जैसे विषयों को मुश्किल मानकर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि इतने बड़े काम है कि इन्हें किया ही नहीं जा सकता, लेकिन बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस मानसिकता भी बदली है और हालत भी बदले हैं। नमामि गंगे इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज न केवल गंगा साफ हो रही है, बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही है। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती जैसे अभियान भी शुरू हुए हैं। नमामि गंगे अभियान आज देश के विभिन्न राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभर रहा है। साथियों, जल प्रदूषण की तरह ही गिरता भूजल स्तर भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए देश ने कैच द रेन मूवमेंट शुरू किया है, जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की हजारों ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के जरिए भी जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का अभियान भी जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। साथियों, हमारे देश में जल जैसी जीवन की महत्वपूर्ण व्यवस्था पारंपरिक रूप से महिलाओं के हाथ में रही है। आज देश में जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का नेतृत्व भी पानी समिति के माध्यम से गांव में हमारी माता बहनें ही कर रही हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें यही भूमिका देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी निभा सकती है। जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संबंधी इससे जुड़े सभी विषयों को भी
हमें उतने ही मुखरता से उठाना होगा। खेती में पानी से संतुलित उपयोग के लिए देश ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे रहा है। आप किसानों को इसके ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के लिए प्रेरित करें। इस समय भारत की पहल पर पूरा विश्व इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी मना रहा है। हमारे देश में मिलेट्स जैसे श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार सदियों से खेती और खानपान का हिस्सा रहे हैं। मिलेट्स में पोषण भी भरपूर होता है और उनकी खेती में पानी भी कम लगता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपने भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करें। आप इसके लिए उन्हें बताएंगे तो इस अभियान को ताकत मिलेगी और पानी का संरक्षण भी बढ़ेगा। मुझे भरोसा है हमारे आपके ये साझा प्रयास जल जन अभियान को सफल बनाएंगे। हम एक बेहतर भारत और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।